कहाँ चली गई हो आया? देखो अपने भाई को, देखो कितना अकेला कर दिया है तुमने मुझे। ऐसे कोई करता है भाई? काश मैं कह सकता तुमसे, काश मैं तुम्हें वापस ला सकता आया, काश मेरी सिर्फ यह एक दुआ कबूल हो जाती। यार प्लीज मान जाओ ना, क्या मैं आपको छोटी बच्ची नजर आती हूँ? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। भाई आप ये फोन छोड़े और मेरी बात गौर से सुने, मामा मुझे अलाउ नहीं करी, आप प्लीज परमिशन दिलवा देना। खबरदार, तुम कहीं नहीं जा रही हो, और वैसे भी तुम पानी देखकर ना पागल हो जाती हो। तुम्हारा बस नहीं चलता कि समंदर के अंदर समा जाओ। लेकिन फहाज, खबरदार तुम इसकी कोई हिमायत नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, हिमायत नहीं करता हूँ, लेकिन आप भी तो सोचिए, अब हमारी ये गुड़िया गुड़िया नहीं रही है, बड़ी हो गई है। क्यों गुड़िया? बिल्कुल। क्यों क्यों आयान? मतलब एक मिनट भाई, प्रॉमिस करो तुम अपना पूरा ख्याल रखोगी और पानी के करीब नहीं जाओगी। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। बस ठीक है, तो फिर कौन रोक रहा है तुम्हें? जाओ जाओ, जाके तैयारी करो, जाओ। आप ना होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। आई नो। फहद, क्या किया तुमने? अरे क्या हो गया? आप खुद ही तो कहती हैं कि लड़कियां पराई होती हैं, एक दिन हमें छोड़कर यहां से चली जाएगी, तो जब तक है हमारे पास तब तक तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए ना। क्यों? आराम से। आपका आज का दिन मेरे नाम, जिसे मैं बहुत खूबसूरत बना दूंगी, उसके लिए आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा बाहर, मुझे सीव्यू लेके जाएं, लॉन्ग ड्राइव चाहिए मुझे, और ढेर सारी शॉपिंग करना, फिर डिनर भी करवाएं रात में, इसलिए आपको ढेर सारी दुआएं भी दूंगी, जिसमें आपको खूबसूरत सी बीवी और मुझे चांसी भाभी मिले। बस, ठीक है, मेरा बच्चा, आज का दिन आपके नाम, अब आपको लेकर पूरा दिन बाहर घूमूंगा, हम सैर करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन क्या ऐसे ही जाओगी? नहीं, मैं 2 मिनट दें, मैं 10 मिनट में तैयार होके आई। हाँ बस 10 मिनट में आ जाना, मैं तब तक चाय पी रहा हूँ अपनी। ओके। और ध्यान से।